हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। इन दिस सेशन हम लोग जीसीडी ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए जावा प्रोग्राम करने वाले हैं। सो बिफोर दैट, जीसीडी ऑफ अ नंबर क्या होता है? जीसीडी मीन्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ नंबर्स, राइट? जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, वो जीसीडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 8 and 4, तो इसका अगर जीसीडी निकालना हो तो व्हाट वी विल सी, हम लोग जीसीडी रिपीटेड डिवीजन से मैं कैलकुलेट करेंगे। 4 2 8, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने देखा 8 और 4 है, तो 8 और 4 का जीसीडी क्या हो सकता है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लॉजिक यूज़ करेंगे कि 1 से लेके जो नंबर है वहाँ तक जाएंगे, और उनमें से जो भी नंबर्स आएंगे डिवाइड करते हुए हम उनको स्टोर करते रहेंगे। लाइक देखिए, 1 8 और 4 दोनों को डिवाइड करेगा, उसको स्टोर किया। 2 डिवाइड करेगा, उसको स्टोर किया। 3 नहीं करेगा, उसको छोड़ देंगे। फिर 4 डिवाइड किया, एंड लाइकवाइज जाता रहेगा। जो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो गए, लाइक 4 से बड़ा देखिए 5 6 7 जो भी आएंगे, एक कंडीशन लगाया रहेगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा जीसीडी 4। ओके, और अगर देखा जाए, 2 हम प्राइम नंबर लेते हैं, तो उस केस में जीसीडी सिर्फ 1 मिलता है, क्योंकि एक यही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो यहाँ से देखिए, जीसीडी की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी 1, और मैक्सिमम क्या होगी? तो यहाँ मैक्सिमम सोचने के पहले ना, हम यहाँ देखिए, हमारे पास 2 नंबर थे, 8 और 4, इसमें जीसीडी क्या है? 4 आ रहा है, जो कि इन दोनों का मिनिमम है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 6 और कोई और नंबर लाइक 12, ये इसका जीसीडी, तो उसमें क्या होगा, जो नंबर होगा वो 6 आएगा, या 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा होगा नहीं, मतलब मिनिमम में ही होना है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जीसीडी की, इट विल बी मिनिमम ऑफ, अगर ए और बी 2 नंबर है तो उसका मिनिमम। तो इसके रेंज में हमें जीसीडी निकालना है। तो लेट्स गेट टू द प्रोग्राम पार्ट। हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ने क्लास बनाया जीसीडी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग है, यस यूटिल पैकेज है, सो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने बनाया स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हमें क्या करना है, हमें यूज़र से 2 नंबर इनपुट करना है। सो लेट्स से टू द यूज़र, एंटर द फर्स्ट नंबर, और उसने नंबर, यूज़र ने num1 में इनपुट कर दिया। सो इंट num1 विल बी इक्वल्स टू sc.nextint, इनपुट हो गया। अब बोल दो यूज़र को कि दूसरा नंबर इनपुट करो। तो इसके लिए यूज़र से बोला system.out.println, एंटर सेकेंड नंबर। तो देखिए, दूसरा नंबर यूज़र ने सपोज num2 में इनपुट कर दिया। ओके, अब देखिए, हमने जीसीडी जब अभी डिस्कस किया था, उसमें क्या बोला, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, ए और बी, मतलब num1 और num2 की मिनिमम वैल्यू तक जाएंगे, और जीसीडी को स्टोर करेंगे, स्टोर, राइट? तो स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल मानेंगे int gcd। ओके, इसमें हमने रख दिया स्टार्टिंग में, कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कोई नहीं है, 0। अब क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो हमने लूप स्टार्ट किया int i इक्वल्स टू 1। ओके, और लूप कहाँ तक जाएगा,
नम वन और नम टू में जो छोटा होगा, तो उसके लिए मैंने लिख दिया इंट आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू नम वन एंड एंड आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू नम टू। वन से स्टार्ट किया और इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी उससे बराबर या उसके छोटे में हमें करना है और आई प्लस प्लस करते रहे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। जीसीडी में बोला गया था कि जीसीडी मींस द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ नंबर्स, मतलब जो हम जीसीडी निकाल रहे हैं आई में, आई नम वन और नम टू दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, आई अगर डिवाइड किया नम वन को तो मतलब नम वन मॉडुलो आई इक्वल्स टू जीरो, नम टू को डिवाइड किया तो उसका मतलब नम टू मॉडुलो आई इक्वल्स टू जीरो। बोला क्या गया, जीसीडी दोनों को डिवाइड करेगा, हमने लगा दिया एंड, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड किया तो हमने जीसीडी में उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। ऐसे स्टोर होता गया, पहले सारे स्टोर होने के बाद अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे जीसीडी की वैल्यू। अब इसका हम एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होगा। जीसीडी विल बी प्लस जीसीडी, ये जो वैल्यू आ गई स्टोर मेन फंक्शन और ये बंद हो गया। अब लेट्स से यूज़र ने एंटर किया 4 और 8, ओके तो क्या होगा, देखिए नम वन में यूज़र ने दिया 4, नम टू में यूज़र ने दिया 8, हमने जीसीडी में बनाया था 0, लूप स्टार्ट किया 1 से, ओके 1 इज स्मॉलर देन 4 एंड 1 इज स्मॉलर देन 8, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएंगे तो क्या देखेंगे, नम वन 4 मॉडुलो आई, 4 मॉडुलो 1 इक्वल्स टू 0, 1 से डिवाइड हो गया, और 8 मॉडुलो 1 इक्वल्स टू 0 डिवाइड हो गया, तो जीसीडी की वैल्यू हो गई आई। अब आई प्लस प्लस 2 इज स्मॉलर देन 4, 2 इज स्मॉलर देन 8, कंडीशन ट्रू है। फिर से यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नम वन मॉडुलो आई इक्वल्स टू 0, नम वन मॉडुलो आई मीन्स कि 4 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, और 8 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 नम टू मॉडुलो आई से, 8 को 2 से कंपेयर किया 0 हुआ, तो जीसीडी में क्या कर दिया 2 रख दिया। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस करके 3 हुई, तो अब क्या होगा, फिर से 3 इज स्मॉलर देन 4, 3 स्मॉलर देन 8, कंडीशन ट्रू, देन नम वन 4 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइड नहीं हुआ, आगे बढ़ जाएंगे आई प्लस प्लस 4 पर, 4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू, 4 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8, कंडीशन ट्रू। अब आने पर क्या होगा, नम वन में है 4 मॉडुलो 4, कंडीशन ट्रू है, यस 0 आ रहा है, और फिर आगे 8 मॉडुलो 4, ये भी सही है, तो जीसीडी की वैल्यू अब चेंज हो गई 4। आई प्लस प्लस हुआ 5, अब देखिए 5 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, मिनिमम था इन दोनों में 4, तो लूप 4 तक जाना चाहिए। अब यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो ही गया, हम बाहर आके क्या प्रिंट किए, जीसीडी की वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, तो हम जीसीडी में वैल्यू स्टोर करते रहेंगे, सबसे छोटे मल्टीपल से बढ़ते बढ़ते सबसे हाईएस्ट मल्टीपल तक जाएंगे और उसकी वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे, और ये जीसीडी का कोड होगा। ओके, थैंक यू।